इनफैक्ट गर्ल्स में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है. मेरे को AI 291 पे भी मुझे CSE मिला है. यहाँ पे बॉयज का 60 पे खत्म हो जाता है. तो गर्ल्स में इनफैक्ट कॉम्पिटिशन कम है. टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, आप उनको एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मेहनत करो और आ जाओ IIT बॉम्बे CSE. और तो कोई स्पेसिफिक नहीं. और मेरी एडवांस में रैंक 291 थी. 291 एंजॉयबल था. मतलब दिन भर बिजी रहते हैं किसी ना किसी, या तो फेस्ट में या किसी और चीज में या किसी और. अलग अलग बच्चों से मिल रहे हैं ये लोग, रेजोनेंस से लेकर के अभी तक IIT बॉम्बे, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहाँ तक पहुँचे हैं. तो अभी तक का जो सफ़र रहा है, और ख़ास करके आपको पता होगा जब भी IIT का नाम आता है तो गर्ल्स थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती है और मेडिकल में ज़्यादा वो लोग जाने का ट्राई करती है. तो अभी हमारे साथ एक गर्ल्स भी जुड़ चुकी है, तो इनसे जानते हैं. और जो भी गर्ल्स देख रही है वीडियो को, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगी. तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए खुद को. माय नेम इज अनुष्का सिंह. माइक को यहाँ पे रख लीजिए. हाँ, माय नेम इज अनुष्का सिंह. और मेरी एडवांस में रैंक 291 थी. 291. अभी मैं यहाँ पर CSE डिपार्टमेंट में हूँ. और यहाँ पे मतलब गर्ल्स के लिए स्पेशली ऐसा कुछ अलग नहीं है. इतना है कि डिफ़िकल्ट थोड़ा लगता है, बट अगर प्रैक्टिस करो तो सब इजी है. तो अपना कंसिस्टेंसी रखो तो ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट गर्ल्स में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है. मेरे को 291 पे भी मुझे CSE मिला है. यहाँ पे बॉयज़ का 60 पे खत्म हो जाता है. तो गर्ल्स में इनफैक्ट कंपटीशन कम है क्योंकि रिजर्वेशन है और 20% सुपर नंबर सीट्स. तो इसलिए बेटर है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो आ जाएगा, मिल जाएगी. ओके, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी JEE मेन वाला जो आने वाला है, जैन में मतलब एग्जाम होने वाला है, तो जो गर्ल्स को ही आप स्पेसिफिकली टारगेट करो कि उनको किस प्रकार से, या बॉयज़ को भी, मतलब ओवरऑल किस प्रकार से उनका स्ट्रेटेजी होना चाहिए. या जब आपका एग्ज़ाम था और एक दो महीना बचा हुआ था, तो आपने किस प्रकार से अपना जो पढ़ाई का तरीका था उसमें कैसा चेंजेस लाया? मेरे एग्ज़ाम के वक्त तो पहले तो क्राइसिस चल रहा था कि होगा कि हाँ, नहीं होगा. अभी रिसेंटली हुआ क्योंकि मेरा जनवरी में हुआ था. तो उसमें हमें दिसंबर में पता चला था. उसके बाद रेगुलर टेस्ट वगैरह हो रहे थे रेज्यूमे और फिर सब कुछ चल रहा था. तो ठीक है, टेस्ट में जैसे अपन मेंस के पैटर्न का टेस्ट होता है तो जनरली 10 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं. तो जो बाकी के बचे 5 होते हैं उनको ज़रूर करें बाद में, क्योंकि वो प्रैक्टिस में रहते हैं. तो ठीक है, वो क्वेश्चंस का, पेपर्स को एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है. और जो मेन थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो याद नहीं रहते उनकी मैं तो मतलब मैं उनको ज़्यादा वो कर रही थी, प्रेफर कर रही थी. केमिस्ट्री काफ़ी पढ़ रही थी, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ वगैरह, बट ऐसा बोल रहे हैं हट गया है तो काफ़ी आसान हो गया है. वरना तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा चलती है और थोड़े इजी क्वेश्चंस मेंस के लिए. तो स्पेसिफिक एक क्वेश्चन ये रहेगा कि IIT बॉम्बे का अभी जितना भी 6 महीना 7 महीना जितना भी आपको हुआ है, अब तक का कैसा लग रहा है, यहाँ पे आकर के कैसा फील हो रहा है? यहाँ पे अभी 4 महीने हो गए, बट लगता नहीं है 4 महीने हो गए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी आए थे और अभी सेमेस्टर खत्म भी हो गया. पर हाँ, काफ़ी इन्जॉयबल था. मतलब दिन भर बिजी रहते हैं किसी ना किसी, या तो फेस्ट में या किसी और चीज़ में या किसी और चीज़, कभी एकेडमिक्स में भी, और मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है. लाइक फ्रेशीज़ा हुआ था, फिर फ्रेशीस्टा हुआ था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कल्चरल का अलग चलता रहता है, क्लब्स वगैरह का कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो मतलब खुद को बिजी रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. इनफैक्ट कभी कभी फ़ोन का भी टाइम नहीं मिलता कुछ खास. तो अच्छी मतलब दोस्त वगैरह अच्छे बने हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है. तो ठीक है, अच्छा. टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, आप उनको एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मेहनत करो और आ जाओ IIT